आज देखते हैं स्टोमेटाइटिस के बारे में कि स्टोमेटाइटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टोमेटाइटिस मतलब इसका वर्ड डिवाइडेशन करें तो यहाँ पे जो वर्ड की बात करें तो आइटिस मतलब क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। स्टोमेटाइटिस जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ये ओरल कैविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं। स्टोमेटाइटिस के अंदर क्या होगा, ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ओरल कैविटी की बात करें, ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करें कि म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे टंग हो गया, टीथ हो गया, गम्स हो गए, तो वो किसके अंदर आते हैं, ओरल कैविटी के अंदर इंक्लूड होंगे। जैसे टंग हो गई, टीथ हो गई, गम्स हो गया या लिप्स हो गए, तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ओरल कैविटी के अंदर इंक्लूड होंगे। तो ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वही क्या कंडीशन कहलाएगी, स्टोमेटाइटिस कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या निकल के आ रही है, इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, स्टोमेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं इटियोलॉजी, क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर होंगे जिसकी वजह से स्टोमेटाइटिस वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होगा, इन्फेक्शन की वजह से होगा। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो कोई क्या हो गया, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो गया। कोई टुबैको वगैरह इनहेल कर रहा है, जैसे कि तंबाकू वगैरह वहाँ पे वो खाता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे स्टोमेटाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट बात करें ओरल अल्सर, ओरल कैविटी के अंदर अल्सर हो गए तो वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेंगे, उसको इन्फ्लामेशन को लीड कर सकते हैं। स्मोकिंग भी एक कोजेज होता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे स्टोमेटाइटिस अक्कर हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन होगा तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन अक्कर हो रहा है। ये था इसके इटियोलॉजी। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, क्या क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे हेलिटोसिस वाली कंडीशन रहेगी, जो स्पेसिफिक जो सिम्टम्स अक्कर होगा ओरल कैविटी के अंदर यदि इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो होता है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस के बाद में आएगा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, हेलिटोसिस वर्ड मीन होता है, हेलिटोसिस की बात करें तो बैड स्मेल आना, माउथ से बैड स्मेल आएगी, फाउल स्मेल आएगी, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो ये सिम्टम्स देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट यदि इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फ्लामेशन है, तो मैनेजमेंट क्या होगा कि उसके अंदर एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक, एंटीफंगल ड्रग्स का यूज़ होगा। एंटीवायरल जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मेनली यहाँ पे यूज़ होंगी, एंटीबायोटिक्स के अंदर, जैसे एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबैक्टीरियल होगी, एंटीवायरल होगी, एंटीफंगल होगी, एंटीपायरेटिक होगी, एनाल्जेसिक्स अप्लाई करते हैं। तो ये था स्टोमेटाइटिस के बारे में।